हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, बहुत बार कमेंट आते हैं चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के बारे में कि चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती कब आएगी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती कब आएगी, हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती कब आएगी, कितने पद खाली पड़े हैं चंडीगढ़ पुलिस में। तो दोस्तों, एक RTI लगाई गई थी, उस RTI का आज जवाब आया है और उस भाई ने मेरे पास उसका जवाब है वो शेयर किया है। यदि आप जानना चाहते हैं चंडीगढ़ पुलिस में कितने पद खाली हैं और भर्ती कब आएगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस पे जो RTI लगाई गई थी उसका क्या जवाब आपके लिए आया है। तो यहाँ पे हर्ष कुमार ने ये RTI लगाई थी, ठीक है, भिवानी से है भाई, और आज 19 अप्रैल को क्या है वापस रिप्लाई आया है इस भाई के पास। तो यहाँ पे 5 पॉइंट पूछे गए हैं, देख लेते हैं 5 पॉइंट में दोस्तों क्या क्या सवाल जवाब किए गए हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह, हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट आर देयर फॉर चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। तो चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल के कितने पद खाली हैं, हेड कॉन्स्टेबल के कितने पद खाली हैं और सब इंस्पेक्टर के कितने पद खाली हैं। तो कॉन्स्टेबल में 828 पद खाली पड़े हैं, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल में 146 वैकेंसी खाली पड़ी है, सब इंस्पेक्टर में 2 पद खाली पड़े हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट का जवाब ये है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज़ आती है कि हमें पता होना चाहिए कितनी वैकेंसी पड़ी है। तो चंडीगढ़ पुलिस में आप यहाँ पे देख पाएंगे हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की डाटा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेट करता है इसको। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया चंडीगढ़ पुलिस में एट प्रेजेंट कितने लोग जो कॉन्स्टेबल है वो काम कर रहे हैं। तो 3731 जो कॉन्स्टेबल है वो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं और 828 पदों पर जो है खाली पद है वो पड़े हैं। यानी कि उसके बाद टोटल चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल के कितने पद मंजूर हैं, स्वीकृत हैं। तो 4574 पद स्वीकृत है। दोस्तों, यहाँ पे आगे पूछा गया है कि आगे अपकमिंग रिक्रूटमेंट है वो कब है, कैसे है, भाई कॉन्स्टेबल की और हेड कॉन्स्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर का बच्चे वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है। तो बताया गया कि नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन चंडीगढ़ पुलिस, ठीक है। तो चंडीगढ़ इंस्पेक्टर की सब इंस्पेक्टर ये अपडेट है। हाउएवर जो कॉन्स्टेबल है कॉन्स्टेबल की जो भर्ती है वो आगे आ सकती है, कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की, उसकी अपडेट आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा मामला चंडीगढ़ पुलिस भर्ती के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे और आज आपकी कई जो शंकाएँ हैं वो दूर हो गई होगी। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे हरियाणा में हम ऑफलाइन टेस्ट करवा रहे हैं CET के लिए, ऑफलाइन टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 3 है। 30 अप्रैल को हमारा ये टेस्ट होने जा रहा है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरे हरियाणा में 40 से ज़्यादा सेंटर हमने बना रखे हैं, ऑफलाइन ये एग्ज़ाम होगा OMR के ऊपर, ठीक है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।